अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख्वाब में याकूत देखना। याकूत को मुख्तलिफ सूरतों और मुख्तलिफ रंगों में देखने की मुकम्मल ताबीरें आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल ड्रीम्स वर्ल्ड को विज़िट कर रहे हैं और आइंदा भी इस तरह के ख्वाबों की मुकम्मल ताबीरें जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करते वक्त साथ लगे घंटी के निशान पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसके पास कोई याकूत सुर्ख या सब्ज था तो दलील है कि कोई औरत या कनीज नेक और खूब इसको हासिल होगी या इसके हाँ कोई लड़की खूबसूरत पैदा होगी। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसके पास कोई याकूत ऐबदार था तो दलील है कि वो कनीज या औरत जो कि वो रखता है उस पर हराम हो जाए। हज़रत करमानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसके पास कोई याकूत सब्ज़ रंग का था तो दलील है कि वो कोई औरत खूब और अच्छी और बा असल बा नसब जोजियत में लाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि याकूत सब्ज़ था तो दलील है कि वो कोई औरत पारसा और नेक सीरत जोजियत में लाएगा। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके पास कोई याकूत जर्द था तो दलील है कि वो औरत बीमार सूरत होवे। और अगर देखे कि याकूत सफ़ेद था तो दलील है कि कोई औरत कंवारी और जाहिदा और मुसल्लह नेकोकार होवे। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि याकूत ख्वाब में छः वजह पर होता है। नंबर एक माल, नंबर दो कनीज, नंबर तीन इलम, नंबर चार बेटा, नंबर पाँच मर्द नेक, नंबर छः कंवारी लड़की।